He asks you your name and your mother's name. जो आपसे आपका नाम और आपकी माँ का नाम पूछे, आपसे कोई आपके कपड़े मांगे कि अपनी जो स्वेटी गारमेंट यानी जिस पे आपका पसीना लगा हो ना, तो कहते हैं जो कल रात आपने बेटा कमीज पहनी थी ना, वो वाली कमीज ला दे जरा। Ask you for specific kind of animal, काला कौवा ले आओ, काला बकरा, काला दुम्बा, काली सिरी वगैरह, काला कुछ भी मांग रहा हो ना, जानवर परिंदा वगैरह जान लो कि ये। के बाद चौथे नंबर पे, इफ ही राइट्स तावीज, ask you to not open it or put it somewhere. तावीज भी मैं hundreds of तावीज खोल चुका हूं, आज तक कुछ खैर का मामला नसीब नहीं हुआ। Recites unclear incantations, यानी ऐसी चीजें पढ़ना कि फॉर एग्जाम्पल इसमें से सूरह तकासुर का बड़ा शौक होता है इनको आमतौर पर, सूरह तकासुर तो पढ़ेगा अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कर रहे। फिर गिव्स यू अ स्क्वायर इन विच लाइंस एंड नंबर्स एंड पेंटागॉन्स आर मेड, ये जायचे शायचे, ये पेंटाग्राम्स, ये नंबर, ये डिजिट्स, न्यूमरोलॉजी, इस्लाम का से कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर सेवन, इफ ही ऑल्सो इफ ही आस्क यू टू बी इन अ डार्क रूम एंड नॉट टू टॉक टू पीपल फॉर 3 or 5 days, क्या आपने अंधेरे कमरे में रहना है, किसी से बात नहीं करनी, सोशल आइसोलेशन में रहना है, तो जो बंदा अकेला होता है उसमें तो शैतान लाजमी आता है। नंबर एट, इफ ही इंसिस्ट यू नॉट टू टच वाटर फॉर 3 days, ये फिर क्रिश्चियन जिन लगा रहा है आपके पीछे, जो पानी को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है, ये बता रहा हूं कि वाकई में प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं। तो नंबर 9, आस्क यू टू बरी समथिंग इन द ग्राउंड, बर्न इट इन फ्रंट ऑफ योर गेट और समथिंग लाइक दिस, कि ये चीज मुझसे पोटली ले जाए, ये अपने घर के अंदर ना गार्डन में चहन में दफना दें, उसमें कोई कहेगा अंडे हैं, इसमें छिलके हैं, इसमें ये है, इसमें ये फलान डमका है, इसमें हड्डियां हैं, गोश्त है, ये जाकर दफना दें इसमें ना। अच्छा जी, आखिरी चीज इसमें, इफ ही इन्फॉर्म्स यू योर नेम, योर टाउन एटसेट्रा एंड क्लेम्स टू नो द अनसीन, अगर वो आपके बारे में आपका पास्ट बता रहा है तो जान ले कि ये भी जादूगर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है हाउ टू स्पॉट अ मैजिशियन, हाउ टू स्पॉट अ मैजिशियन, कैसे पता चले कि ये जो शख्स मेरे सामने खड़ा है ये जादूगर है या नहीं है। तो इसके मैं आपको कुछ बुनियादी उसूल बता रहा हूं, ये नोट कर ले। नंबर 1, ही आस्क यू योर नेम एंड योर मदर्स नेम, जो आपसे आपका नाम और आपकी मां का नाम पूछे सिवाय बैंक के वो जादूगर है। सीएनआईसी वाले पूछते वो भी जादूगर नहीं है, उनको छोड़ दे। तो इनके अलावा, ठीक है, जो बंदा कह रहा ना कि जी मैं इलाज मुआवजा करूंगा, आप जरा अपना नाम बताएं, माँ का नाम बताएं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सुभान अल्लाह इतने कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास हफ्ते में कुछ 4-5 तो केस ऐसे आते ही हैं, कुछ लोग होते हैं वो मेरे ना पूछे बगैर ही अपना और अपनी माँ का नाम बता देते हैं, लोग इतने ट्यून हो चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, सर वो प्रॉब्लम है ये, वो सर मेरा नाम ये है, मैं तो जी बहुत शुक्रिया सर, मेरी माँ का नाम ये, मैंने कहा मैंने पूछा माँ का नाम, डिड आई आस्क यू फॉर योर मदर्स नेम, उनका नाम जो भी हो आप मुझे क्यों बता रहे हैं। नबी करीम सल्लम की कोई एक हदीस बता दें जहां पे आपने किसी से उसका और उसकी मां का नाम पूछा कि तुम्हारे पर रुखिया करता हूं, तुम्हारे पे दम करता हूं, पहले अपनी मां का नाम बताओ। जान ले ये शैतीन है, ये वो लोग हैं जो इंसानों में से शैतीन है, जो ये जो ना मां का नाम पूछते हैं। और ये इसके पीछे क्यों पूछते हैं नाम, इसके पीछे एक छोटी सी साइंस समझा देता हूं। ये बेसिकली आपके साथ एक जिन है, आप सबके साथ एक जिन है, उसको करीन कहते हैं। हर बंदा जब पैदा होता है ना तो उसके साथ उसका जिन भी आ जाता है, और ये जिन हमें ना उकसाता रहता है बुराई की तरफ। और अगर आप ईमान में स्ट्रांग है ये वीक हो जाएगा, अगर आप ईमान में कमजोर है ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके साथ भी है, आपने कहा हाँ मेरे साथ भी है लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। तो ये हर बंदे के साथ करीन होता है, ये बेसिकली जिन जो है ना ये आपको जलील करना चाहते हैं, ये आपके बाप का नाम भुलाना चाहते हैं कि बच्चे को ना बस माँ के नाम से बाप छोड़ो, क्योंकि हमारी लीनियज इस्लाम में तो बाप से होती है ना, बाप के नाम से आइडेंटिफाई होता है। तो ये इस एतबार से फिर ये दो वो जो जादूगर है उसका जो जिन है वो आपके जिन के साथ कम्युनिकेट करता है। जादूगर ने बेसिकली शैतान के साथ एक मुआहदा किया होता है, जिन जो शैतान जिन है उसके साथ एक मुआहदा किया होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको आप इस इल्यूमिनाटी वर्ल्ड में सुनेंगे वो लोग कहेंगे ये ऐसे अल्फाज के आई सोल्ड माय सोल टू द डेविल, व्हिच मींस कि आपका और यानी जादूगर का और शैतान का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी बेसिस पे वो जादू करते हैं। वो कहता है मैं इस तरह जलील करता रहूंगा, तुम इस तरह मुझे फेवर करो, लेकिन शैतान के साथ पैक्ट करके सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होता, उसने आपको एंड में आपके साथ बुराई करना है। जैसे वो स्टोरी ऑफ बरसीसा में आपने सुना, एंड में वो आपको जलील ही करेगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो दूसरा क्या है, आपसे कोई आपके कपड़े मांगे कि अपनी जो स्वेटी गारमेंट यानी जिस पे आपका पसीना लगा हो ना, तो कहते हैं जो कल रात आपने बेटा कमीज पहनी थी ना, वो वाली कमीज ला दें जरा, ये अभी इलाज करने जा रहे हैं आपका। तो कोई इस किस्म की ऊटपटांग चीजें मांग रहा है, जान लो ये जादूगर है, ठीक हो गया। नंबर 3, आस्क यू फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल, काला कौवा ले आओ, काला बकरा, काला दुम्बा, काली सिरी वगैरह, काला कुछ भी मांग रहा हो ना, जानवर परिंदा वगैरह, जान लो कि ये दीन में तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपने फरमाया कि जी काला बकरा ही कुर्बान होगा इस पर, या काला कवा लेके आओ, ये कहां से कुर्बान हो रहा है, उल्लू लेके आओ, उल्लू के पंजे, चमगादड़ के फलाना, ये इस किस्म की चीजें मांगते रहते हैं।
एक आंटी थी यहीं F11 में, उन्होंने कहा कि जी मुझसे मारखोर मांग रहे। मैंने कहा हैं मारखोर? मैंने कहा मैंने मार्केट में देखा, मार्केट में नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा लेट्स सी व्हाट ही सेज। तो उन्होंने कहा कि वो हमने देखा पता किया मारखोर तो नहीं मिल रहा। तो कहते हैं आप ऐसा करें मुझे 2.5 लाख रुपया दे, मैं आपको अरेंज करवा देता हूँ। मैंने कहा इसने साथ वाली दुकान से बकरा खरीद के ना मारखोर करके उसने जबा कर देना और कहना जी आपका वो काम हो गया सारा। तो इसमें से फ्रॉडी भी बहुत बड़े बड़े होते हैं हमारा। अच्छा उसके बाद चौथे नंबर पे इफ ही राइट्स तावीज आस्क यू टू नॉट ओपन इट और पुट इट समवेयर। तावीज भी मैं हंड्रेड्स ऑफ तावीज खोल चुका हूँ, आज तक कुछ खैर का मामला नसीब नहीं हुआ। हमेशा या तो उसमें आपको जायचे नंबर जो आगे बताऊंगा जायचे नंबर बने होंगे, या फिर अगर कुरानी आयत है तो कभी कभार वो फिल्थ से लिखी होती है, नजासत से लिखी होती है। कभी कभार कुरानी आयत देखने में लग रही होती है अंदर तोड़ मरोड़ किया होता है। और अगर चले आपने कुरान मजीद भी है, लेट्स सपोज कि चलो कुरान की आयत है, तो क्या यही तरीका सिखाया कि कुरान मजीद अपने गले में टांग के इंसान घूमे? अगर ये तावीज चाहिए तो मैं आपको इससे बेहतर तावीज देता हूँ। आप मुझसे एक USB ले जाएं, उसमें पूरा कुरान दे दूंगा आपको और हदीस की तमाम किताबें, और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी वीडियो ले जाएं तबर्रुक के लिए। और ये 8 GB की, 8 GB से ऊपर नहीं लेगा, 8 GB की USB ना गले में टांग के फिरें, इंशाल्लाह शिफा होगी। हमारे स्टॉल पे अवेलेबल है भाई, अवेलेबल करें इंशाल्लाह। तो ये हमारा बिजनेस होगा साइड पे। तो कुरान का कुरान, हदीस की हदीस, वो तो बेचारा गरीब आदमी एक आयत लेके घूम रहा है ना, आपके पास तो पूरा कुरान और हदीस है। अगर आप पे अल्लाह की हिफाजत नहीं होगी तो किसमें होगी फिर? तो मैं बताऊं कि ये तरीका भी 2 नंबर है, ये तरीका सही नहीं है कुरान पढ़ने के लिए। इमेजिन करें आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, डॉक्टर साहब कहते हैं बराए मेहरबानी 2 पत्ते पैनाडोल के गले में टांग लें, शिफा होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब को जूते मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो कुरान किस लिए? अल्लाह ताला फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरान तर्तीला, अफला यतदब्बरूनल कुरान वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान बना दिया जिक्र के लिए, सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, फहम के लिए। तो तावीज़ों से बराए मेहरबानी परहेज करें इंशाल्लाह, और अगर हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी तरीका है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके नेक्स्ट। रिसाइट्स अनक्लियर इनकैंटेशंस, यानी ऐसी चीजें पढ़ना कि फॉर एग्जांपल इसमें से सूरह तकासुर का बड़ा शौक होता है इनको आमतौर पर, सूरह तकासुर तो पढ़ेगा अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये शुरू में तो समझा कि बाकी घुस घुस क्या किया आपने, क्योंकि बस वही ना बेटा समझ लो मैं पढ़ रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है। तो अक्सर का सूरह तकासुर पढ़ेंगे, कभी कभार सूरह ज़िलज़ाल पढ़ेंगे इज़ाज़ुलज़िलातिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ठीक है, मतलब ज़िलज़ाला आ गया फिर आगे क्या हुआ, आगे खुश 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 खत्म। तो जो बंदा जो देखें, अगर एक बंदा कहना मैं आप पे दम कर रहा हूँ, अब तो आप दम अपने पे खुद कर सकते हैं। अगर कोई बंदा दम कर रहा है कि जी सूरतुल बकरा का दम करना है, सूरह फातिहा करना है, तो उसको पढ़ने में क्या मसला है? ऊंची आवाज में पढ़ने में क्या मसला है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन, पढ़ लो नो प्रॉब्लम। बट ये खुसर खुसर क्या कर रहे हो? ऊंचा पढ़ो, मुझे भी सुनाई दे तुम क्या पढ़ रहे हो, किसके नाम ले रहे हो। तो ये जो अनक्लियर पढ़ना है ये भी जान लें कि गलत कर रहे हैं। फिर गिव्स यू अ स्क्वायर इन विच लाइंस एंड नंबर्स एंड पेंटागॉन्स आर मेड। ये जायचे शायचे, ये पेंटाग्राम्स, ये नंबर, ये डिजिट्स, न्यूमरोलॉजी, इस्लाम का से कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर 7, इफ ही ऑल्सो इफ ही आस्क यू टू बी इन अ डार्क रूम एंड नॉट टू टॉक टू पीपल फॉर 3 or 5 days। क्या आपने अंधेरे कमरे में रहना, किसी से बात नहीं करनी, सोशल आइसोलेशन में रहना है? तो जो बंदा अकेला होता है उसमें तो शैतान लाजमी आता है, तो ये आपके ऊपर पोजेशन करवाना चाह रहा है। ही वॉन्ट्स यू टू गेट पोजेस्ड, दैट्स व्हाट इज ट्राइंग। नंबर 8, इफ ही इंसिस्ट यू नॉट टू टच वाटर फॉर 3 days। ये फिर क्रिश्चियन जन लगा रहा है आपके पीछे, जो पानी को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, ये बता रहा हूँ कि वाकई में प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं। तो आप सोचिए एक मुसलमान पानी को 3 दिन कैसे हाथ नहीं लगा रहा, उसने नमाज नहीं पढ़नी, वुजू नहीं करना उसने? तो ये कहते नहीं आपने पानी से अपने आप को दूर रखना है। नंबर 9, आस्क यू टू बरी समथिंग इन द ग्राउंड, बर्न इट इन फ्रंट ऑफ योर गेट और समथिंग लाइक दिस, कि ये चीज मुझे पोटली ले जाए, ये अपने घर के अंदर ना गार्डन में सहन में दफना दें, उसमें कोई अंडे हैं, इसमें छिलके हैं, इसमें ये है, इसमें ये फलान डमका है, इसमें हड्डियां हैं, गोश्त है, ये जाकर दफना दें, इसमें नाखून है, बाल है, ये चीजें दफना, या कोई पुतला दे रहा है कि इसको जाके दफना दो, वूडू डॉल। ठीक है, या फिर वो कह रहा है कि फलां चीज को ना इसको आपने शाम में आग लगानी है, इसको सुबह में आग लगानी है, इसको इस तरह करना है, इस तरह की चीजें बता रहा है। ये भी दीन इस्लाम नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये वैसे कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन कभी कभार इंसान पर मुसीबत ऐसी आई होती है कि वो इस तरह के लोगों की बातों में आ जाता है सिर्फ हुलिया देख के। तो शक्ल से उसकी दाढ़ी चाहे इतनी लंबी हो, ठीक है, खातून अगर है वो प्रॉपर अबाया हिजाब निकाब सब कुछ हो, अगर वो ये बातें कर रहा है वो जादूगर है, समझ लो मेरी बात। अच्छा जी, आखिरी चीज इसमें, इफ ही इन्फॉर्म्स यू योर नेम, योर टाउन एटसेट्रा एंड क्लेम्स टू नो द अनसीन। अगर वो आपके बारे में आपका पास्ट बता रहा है तो जान लें कि ये भी जादूगर है। अगर वो और इनमें से कुछ हैं, क्योंकि वो आपके ना करीन से इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करवाते हैं अपने, मतलब जिनको भेज के आपके करीन के से इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करवाते हैं, क्योंकि आपका करीन तो बचपन से आपके साथ है, तो वो आपको वो बातें बताएगा जो सिर्फ आपके और अल्लाह के बीच में थी। आप इमेजिन करें आप किसी बाबा जी के पास जा रहे हैं, बाबा जी ने कहा बेटा परसों रात को आप टॉयलेट में स्लिप हुई थी ना, हैं टॉयलेट, इनको कैसे पता है टॉयलेट, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं अपने घर में। कहते बेटा वो 4 साल पहले आपको फलां के साथ मोहब्बत हुई थी, फिर वो नहीं हुआ था ना मामला बना, और उसका नाम भी बता देंगे, उसका नाम ये था ना बेटा, वो जावेद याद है आपको? हमने कहा मौलाना साहब आपको कैसे पता चला? कहते बेटा हम सब जानते हैं, और फिर हम उनसे इतने इंप्रेस हो जाएंगे कि हमें लगेगा कि बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं। और अब जो ये आगे आपको फ्यूचर बताएगा ना, ये फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानता,
ही नोज नथिंग ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर कौन जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है। इसने सिर्फ आपके जिन से इंफॉर्मेशन डाउनलोड की, अदरवाइज इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये आपके दिल के हाल भी नहीं जानता, आप इससे डर रहे हैं, इससे स्केट है, इसको नहीं मालूम आपके दिल में क्या हो रहा है। ये सिर्फ जाहिरी जो चीजें आपकी लाइफ में होंगी ना उसके बारे में कह सकता है। हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम ही डज नॉट नो। ही नोज कि ये वाक्य आप गिरे थे, आपको चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, अम्मी ने डांटा था, अम्मी ने मारा था, अबू ने ये कहा था, ये उसको पता है और ये आपको बताता है। फिर वो कहेगा अब फ्यूचर में ये होगा, पैसे निकालो, पैसे दो मुझे। अब आप उसको देंगे हाँ बताओ बताओ बताओ, फिर वो कोई दर्दनाक सी बात बताएगा, यूं हो जाएगा वो जाएगा। तो आप सलम की हदीस आपने फरमाया ये इनके जो शयातीन है ना ये जाते हैं मलाइका से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एक सच के अंदर 99 झूठ मिला देते हैं और फिर ये मजीद उसमें झूठ मिला के आपको सुनाता है, तो पता चलता है कुछ नहीं होता। एक दफा यही वर्कशॉप जो इसका फुल लेंथ एडिशन है वो मैं करा रहा था फैसलाबाद में, तो ऑडियंस में मैंने देख लिया, अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे ना माशाल्लाह फेशियल रिकग्निशन मेरी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ लेकिन आई डोंट फॉरगेट अ फेस, इफ आई सी समवनस फेस आई रिमेंबर इट। तो एक दफा मेरे साथ यूं भी हुआ कि मैंने अपने यानी व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी मैंने अपने नर्सरी के क्लास फेलो को पहचान लिया था, नर्सरी के। मैंने कहा एक्सक्यूज मी यार आप लंडी कोतल में से तो नहीं आपने पढ़ा? व्हाट आई सेड, आपने लंडी कोतल से तो नहीं यार नर्सरी पढ़ी? कहता हाँ पढ़ी है। मैंने कहा ओए जिगर मैं जाऊँ यार? कहते ओ माई गॉड आई डोंट रिमेंबर यू एट ऑल। मैंने कहा बट आई रिमेंबर यू। और क्योंकि लंडी कोतल ऐसी जगह किसी को जहन में नहीं आता कि लंडी कोतल में को पढ़ा होगा, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड जो है ना बचपन वो लंडी कोतल में वो जो जमीन पे बैठने वाला स्कूल होता है जिसमें ऑरेंज सलवार कमीज पहने जाते हैं वहाँ हुआ है। मैंने अपनी आला तालीम का आगाज कहाँ से किया है? लंडी कोतल से। लंडी कोतल मेरे फादर आर्मी में थे, पोस्टिंग होती थी, लंडी कोतल से स्टार्ट किया। उसके बाद वहाँ पे मैं उर्दू मीडियम स्कूल में था, ऑरेंज सलवार कमीज, एक दूनी दूनी दो दूनी चार मुझे याद है, हम पढ़ते थे और मारे भी पढ़ती थी। उसके बाद क्या हुआ, सीधा मैं छलांग लगा के जब इस्लामाबाद अबू आए तो यहां से उठा और फ्रोबेल्स में आ गया। वॉट अ कल्चर शॉक, वॉट अ कल्चर शॉक। उससे दिमाग फिर गया ये मैं कहां आ गया। तो ये खैर मेरी जरूरत है। अच्छा ये फैसलाबाद में ये वर्कशॉप हो रही थी तो मैंने ऑडियंस में पहचान लिया मेरी क्लास सिक्स का क्लास फेलो, दिस इज जस्ट एक साल पुरानी बात है, क्लास सिक्स का लड़का मुझे नजर आ गया। अच्छा अब मैं तो खैर चेंज हो चुका हूँ क्लास सिक्स से बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो मुझे लगा कि ये वही है, वो उसका ब्लू प्रिंट नजर आ गया। मैं कहा बस ये वही है, मुझे बार बार दिमाग में, अब हालांकि मैं जिनसन ब्लैक मैजिक करा रहा हूँ मुझे दिमाग में ख्याल आ रहा है ये तो वही है, ये वही है, वही है, वही है, बस मेरे दिमाग में ना बात बैठी हुई है। अच्छा हुआ क्या, मैं जब टॉक थोड़ा खत्म हुई, ब्रेक ली तो ये लड़का मेरे पास खुद ही आ गया। इसका नाम था उमर अजहर। तो मेरे पास आया तो कहता है अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत अच्छी टॉक थी, अल्लाह आपको जजाय खैर दे। आप बताए मैं और मेरी वाइफ आपके बहुत बड़े फैंस हैं, हम आपको इतने अच्छे से फॉलो करें। मैंने कहा बस उमर बस। खुदा की कसम उसका चेहरा उड़ रंग उड़ गया उसका। मैंने कहा उमर सच सच बताओ तुमने जब, क्योंकि हम लोग बीकन हाउस के पढ़े, मैंने कहा तुम बीकन हाउस में पढ़े थे तो उसके बाद क्या हुआ सच सच बताना। वो इतना कंफ्यूज हुआ, उसको लगा खुदा की कसम कुछ जिन से बैक मैजिक मेरे साथ अभी हो रहा है, क्योंकि अभी मैं दो मिनट पहले करीन की बात कर रहा था कि वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं। कहते हैं आपको कैसे पता है? मैंने कहा जिगर तुम मेरा क्लास फेलो था, क्या हो गया यार? फिर उसको जिया ये तो जिया, मैं कहा हाँ बस दाढ़ी माइनस करके सोच। कहता यस यस नाउ आई रिमेंबर। तो सुभानला ये ऐसे वाक्यात भी होते हैं। तो मैं बताऊं कि जो अब ये तो इतफाकन बात है ना, लेकिन असल में क्या होता है, ये जो लोग वाकई में आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं ये पास्ट के बारे में आपको सब कुछ बता सकते हैं। सो अगर कोई बंदा आपको पास्ट बता रहा है और कोई सबब समझ में नहीं आ रहा, जान लो ये बंदा जो है ना जादूगर है और ये अभी आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है। एक और मैं आपको फ्रॉड की छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक हमारे जानने वाली आंटी थी, यहाँ इस्लामाबाद में रहती थी, मैं उनके घर पर ना कुछ अर्सा कुरान का दर्स दे रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के साथ कुछ आप करें, मैंने कहा ठीक है, जाना शुरू कर दिया। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जी हमारे भी कोई बाबा जी हैं बड़े अच्छे से ना, वो बाबा जी जो है वो कराची होते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ये हैं वो हैं, बड़ा नूरानी चेहरा है, ये है, फायजा ब्यूटी क्रीम लगाते हैं जो भी। तो आजकल नूरानी चेहरा इख्तियार करने के बड़े तरीके हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा बड़ा नूरानी चेहरा है, ये है, वो है। अच्छा खैर मैंने कहा कि वो क्या करते हैं, मुझे आई एम क्यूरियस टू नो वो किस तरह पढ़ाते हैं क्या करते हैं। उन्होंने कहा नहीं वो ऐसे गैब भी बताते हैं, फ्लां भी करते हैं। मुझे लगा ये दाल में कुछ शदीद काल है, ये समझ नहीं आ रही बात। तो मैंने कहा कि देखिए आप अपने मसले पूछने जाती हैं, ये बंदा मुझे ना फ्रॉडिया लग रहा है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको चीट करेगा, सो प्लीज़ आप क्या करें इनसे थोड़ा दूर हो जाएं। तो नहीं नहीं हमारे फैमिली के जानने वाले हैं। मैंने कहा ये आपको चार्ज भी करते होंगे? नहीं नहीं बिल्कुल बेटा नहीं चार्ज करते, अभी पिछले दो तीन साल से हम जा रहे हैं बिल्कुल चार्ज नहीं करते। मैंने कहा बड़ी हैरत की बात है चार्ज नहीं करते। खैर एनीवे मैंने कहा लेकिन मुझे पता है ये यकीनन चार्ज जरूर करेगा। अच्छा खैर एनीवे वो मैंने फिर वहाँ पे क्लास भी खत्म हो गई, कुछ ऐसा पीछे रहा। छः महीने के बाद कभी आंटी से दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने कहा आंटी वो खैरियत से आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा बस ठीक ठाक, बस अभी मैं कल ही आई हूँ कराची से वापस। मैंने कहा चले बड़ा अच्छा हो गया। तो मुझे एकदम से आया वो 2+2=4 कराची गई तो लाजमी उनके वहाँ हाजिरी देखे आई होंगी। तो मैंने कहा कि वो बाबा जी के पास तो नहीं? नहीं बेटा उन्हीं को तो मिलने गई थी। मैं कहा लो जी। तो मैंने कहा कि जी क्या इशू क्या है? तो कहती है सर मैं ना वो मसला था ये वो, तो मैं उनको मिलने चली गई तो उन्होंने बड़ी मदद की। मैंने कहा आंटी वो चार्ज तो नहीं कर रहे आपको, क्योंकि अभी 6 महीने मजीद गुजर गए थे। कहते नहीं बेटा वो कहाँ चार्ज करते हैं, तो बिल्कुल चार्ज नहीं करते। हाँ बता वैसे एक उन्होंने पेंटिंग मुझे दी है बेची है। मैंने कहा जी पेंटिंग बेची है आपको? कहते जी। मैंने कहा क्या उस पेंटिंग पे? कहते ऐसे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा ओके सो व्हाट, छोटा सा पेंटिंग है और वो भी वैसे उन्होंने पिक्चर दिखाई उस पर ना कि ये बेटा ये देखो पेंटिंग है, बिल्कुल फारिग मतलब किसी होता 5 साल के बच्चे ने बनाई। तो कहते मैंने कितने की बेची है? 5.5 लाख। मैंने कहा बाबा जी ने बिजनेस कर लिया अपना?
बाबा जी ना को पिकासो की औलाद है, 5.5 की इतनी छोटी सी पेंटिंग जो 5 साल का बच्चा बना सकता है 5.5 में बेच रहे हैं। मैंने कहा ये फिर हम लोग बुरे रहे हैं, हमें ये काम करना चाहिए था, पेंटिंग बना बना के लोगों को बेचते 5.5-5 लाख यूथ क्लब किधर किधर पहुंचा होता, अल्लाह हू अकबर। लेकिन ये लोगों की बेवकूफ़ी और जहालत है। तो इंशाल्लाह मैं इसी टॉपिक को कंक्लूड करते हुए, रैप अप करते हुए, आखिरी स्लाइड पे अगर आ जाए तो जी, ये बस मैं आपको ना कुछ तावीज़ दिखा रहा हूँ आपकी रहनुमाई के लिए और फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ये तावीज़ आप देख रहे हैं इस पे, ये जो पहला सेक्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। दूसरी चीज़ नोट करने वाली इसमें क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरी चीज़ आ रही है, ओके, ये है अल्फ़ाबेट्स, अरबिक अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, इसको अनकोड करना या डीकोड करना पॉसिबल नहीं है। लोग कहते हैं इसको डीकोड करें, इसको डीकोड करना पॉसिबल नहीं है। जो बंदा इनकोडिंग कर रहा है ना उसी को पता है वो किस लेवल पे कर रहा है और क्या सोच के कर रहा है, ये उसी को पता है कि उसने इसका मतलब क्या रखा हुआ है, इसका मतलब क्या रखा हुआ है, ये उसी को पता है कि जो उसने अल्फ़ाबेट्स किए हैं और यही उसका कॉन्ट्रैक्ट है शैतान के साथ कि जाल का मतलब ये होगा, अलिफ का मतलब ये होगा, फलां का मतलब ये होगा, ये उसने डिकोडिंग की हुई है। इसका ताल्लुक इस्लाम से वैसे नहीं हो सकता। ये जो आप देख रहे हैं ना एक ही लेटर बार बार हा 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 हमजा 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 हमजा, ये भी आमतौर पे शैतान के नाम के फर्स्ट लेटर्स होते हैं जिनको बार बार पुकारा जा रहा है। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है बहके सुलेमान इब्न दाऊद, ये लोग इनका अकीदा और बिलीफ है जादूगरों का कि ये सारा जादू जो था ये सैयदना सुलेमान ने किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम नाऊज़ु बिल्लाह वो जादूगर थे, इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया, हालांकि कुफर तो किसी नबी ने भी नहीं जना नहीं किया। वमा कफरा इब्राहिम, वमा कफरा मूसा, अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया। क्यों कहा वमा कफरा सुलेमान? क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में लोग ये अकीदा रखते हैं कि सैयदना सुलेमान जादूगर थे और वो जादूगर नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से उनको एक एबिलिटी दी हुई थी कि वो इंसान जिन्नात जानवरों चरिंद परिंद चूटियों से भी बात कर सकते थे। ये असली तावीज़ है जो मुझे एक सिस्टर ने भेजा था, ठीक है, एक और तावीज़ दिखा रहा हूँ, ये भी मुझे किसी ने भेजा था। अच्छा, ये तावीज़ जो है ये देखिए, इसमें सबसे पहले ये जो नाम लिखा हुआ है ये और इसके ऊपर वाला नाम या समथिंग समथिंग, मैं नाम लूंगा नहीं, ये नाम जो है ये शैतान का नाम है, ठीक है, ये अल्लाह का नाम नहीं है। लोगों को लगता है चूंकि हमें अस्मा व सिफात नहीं पता, अल्लाह के नाम ही नहीं पता, तो लोग समझते हैं कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, अशैतान फिरौन हमान, ठीक है, तो उनके नाम पर यह तावीज़ बना हुआ है। और ये देखें ये यहाँ पे भी, यानी जो वर्स्ट डिसबिलीवर्स हैं उनके नाम, और फिर इस साइड पे भी फिरौन हमान कहीं इबलीस कहीं कुछ ये नाम लिखे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसको प्लीज गले में टांग के आप सारा दिन घूमें, ये खुद भी कुफर कर रहे हैं आपसे भी कुफर करवा रहे हैं ताकि आपसे पहला ट्रैप करवाएं, पहला ट्रैप ऑफ शैतान का था शिर्क, आपसे करवा लें शिर्क ताकि जो शिर्क करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत उसके लिए हराम हो जाएगी। सो व्हेन यू आर गोइंग टू द मैजिशियन बिलीव मी आप अपने ईमान को खुदा हाफिज कह दें क्योंकि वो आपसे ऐसे ऐसे अमाल करवाएगा जो कि शिरकियां होंगे, और अगर इसी हालत में आप मर गए फिर सोचें इंसान के साथ क्या होगा। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन कंक्लूजन मैं आपको ये कहूंगा कि इस चीजों का तोड़ बहुत आसान है, और वो तोड़ ये है कि आपको कोई शॉर्टकट मेरे पास नहीं है कि बंदा आया छू बंतर पड़ा और उसको फारिग कर दो। इसका क्योर यह है कि आपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। जादू के तोड़ का कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है कि जी ये बूटी पढ़ लो, ये लगा लो, ये फलां, इस तरह की चीज नहीं है। इसका सोल्यूशन यह है कि आप अपने आप को सुन्नत वे ऑफ लाइफ पे ले आए। आपकी अगर नमाजें पूरी हैं दिन में, सबसे पहले तौहीद पे हैं आप, अगर तौहीद पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ज्यादातर बावजू रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप घर में सूरतुल बकरा की तलावत करते हैं फैंटास्टिक माशाल्लाह, आप रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें 3 कुल पढ़ के, कुल अल्लाह वहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के ब्लो करें ऐसे 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 नहीं, ठीक है, थूकने का मोशन है लेकिन थूक रहे हैं ऐसे करके पढ़ के ब्लो करके अपने जिस्म पे रब कर लें एक दफा, फिर पढ़ के 2 दफा, फिर 3 दफा, ये आप सल्लम की सुन्नत ही सोने से पहले। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता तैनात हो जाता है। राइट साइड पे सोना, ये सुन्नत के तरीके हैं। वुजू करके सोएं और अच्छी बात है। तो मैं बता रहा हूं कि आप घर से निकलने से पहले बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो पढ़ के निकलता है अल्लाह ताला की तरफ से, यानी फरिश्ते आ जाते हैं और शैतान कहते हैं आज हम इसको कुछ नहीं कर सकते, इसका आज इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो दिन में सुबह 100 मरतबा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क वला अल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 100 दफा जो ये पढ़ेगा उसको उस दिन के लिए शैतान टच नहीं कर सकता। जो शख्स ये पढ़ेगा बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या जो पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुरु मा इस्मी शैइन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवा समीउल अलीम, या जो पढ़ेगा औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, या जो पढ़ेगा औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामा मिन कुल्ली शैतानि वहामा व मिन कुल्ली ऐनि लामा, ये क्या है, सब हिफाजत की दुआएं हैं। इनको अगर सीखना चाहते हैं आपके पास एक बड़ी अच्छी किताब है उसका नाम है हिस्नुल मुस्लिम, वो ले ले, उसमें हिफाजत की दुआओं के सेक्शन पे चले जाएं, ये अज़कार याद कर लें। जितना ज़्यादा सुन्नत तरीके पे आएंगे इंशाल्लाह रहमान शयातीन आपको टच नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना आपके इर्द गिर्द एक फोर्स फील्ड डेवलप हो रही है। वुजू भी किया हुआ है शील्ड आ गई, अज़कार किए हुए शील्ड आ गई, नमाज पढ़ी हुई है शील्ड आ गई, हालत वुजू में शील्ड आ गई, ठीक है, तो ये सारी शील्ड बन रही हैं। तो शैतान एक को पेनिट्रेट करे दो सबको नहीं कर सकता, ठीक है, और वो एक करना भी उसके लिए अजाब है, नहीं कर सकता वो। तो मैं बता रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। लोग मुझे कहते हैं जा भाई आप पूरे पाकिस्तान में जिन जिन ब्लैक मैजिक पे टॉक देते हैं आपको डर नहीं लगता? मैं कहता हूँ ये शैतान और इनका फादर मिलके मेरा बाल भी नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि जब आपका अल्लाह से रिलेशनशिप होना देन दे फियर यू, देन दे फियर यू।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب کو کہا کرتے تھے, عمر تم کیا کرتے ہو, یو گو اینڈ یو لیو یور ہاؤس ون وے اینڈ دی شیاطین گو دی ادر وے, اتنا ڈرتے ہیں تم سے, اتنا ڈرتے ہیں. تو ویسے تو یہ انسانوں سے ویسے ہی ڈرتے ہیں, اوپر سے بلیور سے اور بھی زیادہ ڈرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ایمان میں تقوی میں اسٹرانگ کریں. میں آخری بات کہہ کے بات کنکلوڈ کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے کا پلان بنایا گیا, یہ واقعہ پتا آپ لوگوں کو, آپ کے مرڈر کا پلان بنایا گیا. اس گیدرنگ میں ایک بوڑھا شخص داخل ہوا, یہ بوڑھا شخص کون تھا, شیطان تھا. اور یہ اس واقعے کے اوپر نا, یعنی علماء کا اتفاق ہے اس پورے واقعے کے اوپر, وہ جب اندر آیا نا تو اس نے لوگوں نے کیا کہ, اب میں بتا رہا ہوں فزیکل ڈیمیج کیسے کرتے, کوشش کرتے ہیں, ہاؤ دے ٹرائی ٹو افیکٹ دی بلیورز. تو لوگوں میں بحث چل رہی ہے کیسے قتل کرنا ہے, اور اس کو کوئی جانتا نہیں ہے, یہ اندر آ کے اس کو جانتا کوئی نہیں ہے. لوگوں نے بات شروع کی کہ کس طرح کریں کس طرح کریں, ایک نے آئیڈیا دیا ایسا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیتے ہیں, یہاں سے ملک سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ کھڑا ہوا, اس نے کہا خدا کی قسم, اللہ کی قسم کھا رہا, کہتا ہے واللہ میں تمہارے آئیڈیا سے اگری نہیں کرتا. انہوں نے کہا پھر کیا, کہتا ہے کچھ اور سوچو. پھر کسی نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم اس کو امپریزن کر دیتے ہیں, جیل میں بند کر دیتے ہیں. اس نے پھر کہا خدا کی قسم میں تمہارے آئیڈیا کو صحیح نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ کرو گے تو یہ اس کے صحابی آ جائیں گے تمہیں باہر نکالنے کے وغیرہ وغیرہ. پھر ابو جہل نے کہا کہ میں, جب دیکھا نا کوئی بات سامنے نہیں آ رہی, ابو جہل نے کہا بھائی میں اب وہ کہنے جا رہا ہوں جو تم سب سوچ رہے ہو, لیکن کسی کے اندر اتنے گٹس نہیں ہے کہ اپنے منہ سے یہ بات کہے. تو سب نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو, اس نے کہا کہ نبی کو قتل کر دو. جس پہ یہ بابا کھڑا ہو گیا, بابا کون تھا, شیطان. اس نے کہا نعم یہ صحیح بات ہے, دس از رائٹ. اور اس نے کہا میں اس میں ایڈ کروں گا, ایڈ یہ کروں گا کہ قتل کیسے کرنا ہے, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ کا آئیڈیا کوئی اس کے منہ سے آئے تاکہ گناہ تمہارے سر پہ چلے. وہ صرف کیا کرتا, آئیڈیا اچھا نہیں ہے, آئیڈیا اچھا نہیں ہے, آئیڈیا ابو جہل نہیں دیا قتل کریں گے. اس نے کہا ہاں اب میں تمہیں بتاتا ہوں قتل کو فائن ٹیون کیسے کرنا ہے. کہتا ہے قتل سارے مل کے کرو, 14 قبیلے ہیں, 14 کے 14 حملہ کریں گے. اور کہا کب کریں گے, آج رات کریں گے. اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ اس کو مسئلے کو ریپ اپ کرو فوراً, بالکل بات لیک نہ کریں. ایک شباب کو پکڑو, ایک ایک نوجوان کو پکڑو ہر قبیلے سے, ان کو پکڑو کہ سارے اپنی اپنی تلواریں کے ساتھ مارے, اور سب کی تلواروں پہ نبی کا خون ہو, تاکہ پھر یہ لڑنے والے کسی سے لڑنے والے نہیں ہوں گے. اچھا یہ ہوا. اچھا اسی گیدرنگ میں اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے, جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. آپ جبریل علیہ السلام فوراً نبی کے پاس گئے اور ان کو صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہجرت کا وقت آ گیا, جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس وہ وقت آ گیا, کیونکہ نبی اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ہجرت کا حکم آ جائے. جبریل علیہ السلام گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا سامان اٹھایا اور بس اٹھا کے ابھی باہر نکل رہے ہیں. باہر نکلے تو دیکھا کہ 14 نوجوان لڑکے تلواریں نکالے کھڑے ہوئے تھے, ویٹ کر رہے تھے. اچھا میں آپ کو سائڈ اسٹوری یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے, ان کے آگے اور پیچھے ان کو نظر نہیں آ رہا. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسرین کہتے ہیں ابھی پتہ نہیں تھا اسٹیج پہ, ہی ڈڈ ناٹ نو دیٹ دے کین ناٹ سی ہم. اچھا اگر ہمارے ساتھ ایسا خدا نہ خواستہ کہ ہم لوگ گھر سے باہر نکلیں اور ہمیں پتا ہو کہ جی 14 بندے قتل کرنے کے لیے باہر گنیش نے کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوئے, تو ہم کیا کریں گے, گھر سے باہر آئے او نظر آ گیا, اب کیا کریں گے, واپس بھاگیں گے نا, یا ادھر سے بھاگیں گے, رائے فرار کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جس کے دل میں کیا ہے, ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس, آپ نے کیا کیا, ان کو دیکھا یہ 14 لڑکے کھڑے ہیں تلواریں, آپ کو نہیں پتا کہ میں ان کو نظر نہیں آ رہا. آپ نے کیا کیا, زمین سے مٹی اٹھائی, مٹی اٹھائی اور پھر ان سب کے پاس چلے گئے, بالکل پاس, اور ایک کے سر پہ ڈالا, دوسرے کے سر پہ, تیسرے کے سر پہ, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتھ, سب کے سر پہ مٹی ڈال دی. یہ مٹی ڈالنا پتا کیا تھا, یہ عربوں کے ہاں نا یہ نشانی تھی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں برنگ اٹ آن, لیٹس ڈو دس, یو وانٹ ٹو فائٹ, لیٹس گو. یہ چیلنج کرتے تھے, جب کوئی کسی کو چیلنج کرتا تھا نا تو وہ اس طرح کرتے تھے, کسی کے سر پہ مٹی ڈالتے تھے کہ یو آر ڈسٹ, دیٹس واٹ یو آر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں ان کو نظر نہیں آ رہا, لیکن ان کو یہ پتا تھا اللہ میرے ساتھ ہے, تم 14 چھوڑ کے 14,000 بھی ہو جاؤ نا, مجھے تم کچھ نہیں کر سکتے. کیوں, کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ میرے ساتھ کیوں ہے, کیونکہ میں اللہ والا ہوں. اس لیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جو بندہ اللہ کے دین پہ چل رہا ہوتا ہے نا, اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. دا پرسن فیئرز نو ون. وہ تو جب آپ نے ان کے سر پہ ڈال دیا تو آپ کو پتا چلا ان کا تو کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہو رہا. واٹس گوئنگ آن, دے آر ریئیکٹنگ, اٹس ایز اف دے کانٹ سی می. ان کو تو میں نظر بھی نہیں آ رہا, یہ تو ریئیکشن ہی کو شو نہیں کر رہے. تب ان کو دریافت ہوا کہ آئی ایم انویزبل ٹو دیم, دے کین ناٹ سی می. اور آپ وہاں سے آرام سے نکل گئے, اور ان کو پتا چل گیا کہ ان کے کمرے سے باہر نکلتا ہی اللہ کی مدد ان کے ساتھ آلریڈی تھی, اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا. آپ کی لائف میں جو بھی پرابلم ہے, جو بھی ڈیفیکلٹی ہے, جادو, یہ وہ, جو کچھ بھی ہو, اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی فکر پریشانی نہیں ہو سکتی. سو ہم نے کرنا کیا ہے, الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے, اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرو, اور جان لیں کہ یہ جو مہینہ بھی رمضان کا آنے والا ہے, اس سے اچھا مہینہ آپ کو پورے سال میں نصیب نہیں ہوگا اپنے اس ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے. سو میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے, اللہ ہمارے گھر والوں کو, ہمارے فیملی کو, ہمارے عزیز و قارب کو, سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے, شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنے دین کو جاری و ساری کرے, ہمیں اللہ والا بنائے, ہمیں ہمت, طاقت, جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کام کر سکیں.
और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए और हम सबको इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।